नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपने इंदिरा आवास के लिए अप्लाई किए थे तो कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा आया कि नहीं आया, अगर आपने न्यू लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं वो कैसे चेक कर सकते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2022 का जो न्यू लिस्ट जारी किया गया है उसमें आपका नाम है या नहीं वो कैसे देख सकते हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर करें और साथ में ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना अमाउंट कितने तारीख को आया है। सो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिले। सबसे पहले आपको गूगल पे चले जाना है, यहाँ पर सर्च कर लेना है pmawas.nic.in। गाइज, ये एफिलिएट ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली वहाँ से क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आपको आवास का एक ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद रिपोर्ट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। गाइज, यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं बट आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। नीचे और यहाँ पर देखिए इसी ये वाले ऑप्शंस में, इसमें सबसे नीचे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते एक नए इंटरफेस के साथ कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा, तो चलिए आपको दिखा देते हैं क्या। सबसे पहले आपको स्टेट चूज कर लेना पड़ेगा, तो हम झारखंड से तो झारखंड सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट, तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपको सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर देना है यानी ब्लॉक। इतना करने के बाद आपको एक बार और पंचायत को सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा, तो आपका जो भी पंचायत है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको एक रिकैप्चा मिलता है, उसको आपको फिलअप करना है। सिंपली यहाँ पर जो माइनस करके जो हो रहा है उसको सबमिटेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको नीचे आपको लिस्ट देखने मिल जाएगा। यहाँ पर आपको नंबर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद यहाँ पर पंचायत, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद बेनिफिशरी मतलब जिसके नाम से आवास है उसका पूरा लिस्ट यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। सो गाइज, आपको क्या करना है, एक एक करके यहाँ पर ढूंढना है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते एक नए इंटरफेस के साथ खुल जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर उनका पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए डिस्टॉप साइज में कर लेते हैं। सो यहाँ से आप देख सकते हैं उसका किसके नाम से है, और यहाँ पर उसका नरेगा जॉब कार्ड नंबर भी वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे आप बैंक डिटेल देख सकते हैं, उसके नीचे यहाँ पर स्टेटमेंट वगैरह, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कितना अमाउंट कितना तारीख को आया है। इसके अलावा अगर आप और डिटेल देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे आना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंस्टॉलमेंट कब कब आया वो बताएगा, उसके आपने घर बनाते समय जो फ़ोटो दिए थे वो भी यहाँ पे देख सकते हैं फुली डिटेल के साथ, आप किसी का भी देख सकते हैं आपके गाँव पंचायत। सो गाइज, इसी तरह टिप्स ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज वगैरह हो तो आप सीधा कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।